नगर कमेटी में आपका स्वागत है। कीरतपुर नगर पालिका बोर्ड के वार्ड सदस्य ने नगर पालिका अध्यक्ष के पक्ष में थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन। जनपद बिजनौर के कीरतपुर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल मन्नान को पुलिस ने गोश्ती का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं उक्त मामले में कीरतपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को जेल भेज दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के समस्त विधायकों के अलावा कीरतपुर नगर पालिका बोर्ड के सदस्य ने सरकार की विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर ज्ञापन सौंपा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कीरतपुर नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान के ऊपर जो है एक आरोप है कि वो किसी को लेकर एक आरोप लगा, तो सब उसकी क्या सच्चाई है, क्या कहना है? देखिए, आप लोग भी इस क्षेत्र के रहने वाले, मीडिया से जुड़े, सोशल मीडिया से जुड़े, आप खुद इस बात की तहकीकात कर लीजिए कि अब्दुल मन्नान जैसा व्यक्ति, जो कि कीरतपुर का सम्मानित चेयरमैन, दूसरी बार चेयरमैन, पहले उनकी पत्नी थी अब वो है, दूसरी बार चेयरमैन हो, तो क्या वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है? और वो भी इसलिए, भाई आप बताइए कि चेयरमैन को रहते हुए और उनके अपने कारोबार की दृष्टि से देखते हुए, आर्थिक दृष्टि से आज वो कमज़ोर तो है नहीं, तो ऐसा काम तो कोई गरीब आदमी करे तो करे कि भाई चलो एक भैंस काट करके या इसका मीट बेच करके मैं अपने बच्चों को पाल लूँगा। तो इस तरह का घिनौना अपराध सिर्फ इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ डर और खौफ, जो लोग समाजवादी पार्टी के स्तंभ हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी में मजबूत हैं, उनको डर और खौफ दिखा करके, उनके ऊपर झूठे मुकदमे फंसा करके, उनको डर और खौफ लगा करके उनको घर बैठाना चाहते हैं। आपने हम पे देख लिए, अभी इस सर 3.5 साल में हम 14 महीने जेल रहे। आपको पता है कि हमने उत्तराखंड वाला जो मुकदमा था, क्या हम उसमें शामिल थे? हम तो वहाँ था, हमें तो जानकारी भी नहीं, जितने लोग थे उनमें सबको झूठा फंसाया गया। ये जो हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, ये भी राजनीतिक मुकदमा है, इसमें 8 महीने जेल भेज दिया। तो ये उन सब लोगों को, जो समाजवादी पार्टी के मजबूत लोग हैं, उनको डरा करके, धमका करके शांत करना चाहते हैं। इनका मतलब सिर्फ है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। विपक्ष होगा नहीं तो सिर्फ हम मनमानी करते रहेंगे, जैसे आज कर। We'll be right back.